ये एंट्री गेट है भगवान श्री ऋषभदेव मंदिर का, ठीक है। तो एंट्री गेट कुछ इस तरह है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शंस है, तो फिर भी मैं आपको विजिट करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसा कुछ अंदर सीन बनता है। कंप्लीट जानकारी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि भगवान ऋषभदेव का मंदिर किस तरह है। ये रही, सॉरी गाइस, गाड़ी बहुत आवाज़ कर रही थी। तो गाइस ये जो आपको दिख रही है ये मंदिर, ये भगवान श्री ऋषभदेव जी का है। और आगे आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ है, कंप्लीट व्यू आप तक शेयर करने की कोशिश करेंगे। वैसे सीज़न नहीं है तो इस हिसाब से कह सकता हूँ कि यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाया गया था, लेकिन अभी इनकी जो कोशिश है पहले से भी अच्छे बनाने की है, ठीक है। तो हमने जूता चप्पल भारी रख लिया है और अब हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो भाई कुछ इस तरह का कमल के फूल जैसा नहीं होता है उस हिसाब से आपको दिख रहा है, ठीक है। और इधर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ तो भी बनाया जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे छतनी का पेड़ भी है। यहाँ आगे की ओर अगर मैं बढ़ता हूँ तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ, वेट ए सेकेंड, कुछ इस तरह की व्यू के साथ। और यहाँ पे जो प्रतिमा रखी गई है, काफ़ी धूप लग रही है मुझे वैसे, लेकिन फिर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ हर जगह। मतलब काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है देखने में वैसे, और सच में संगमरमर का बनाया गया है और चारों तरफ से बनाया गया है भाई, चारों तरफ से। और जैसा कि बाकी मंदिरों में दिखाई गई इस टाइप की तस्वीरें कुछ ना कुछ बताती हैं, तो यहाँ से हम कुछ देख के कुछ समझ और सीख सकते हैं। अगर आगे की ओर मैं बढ़ूँ तो और भी कुछ आपको कलाकृतियाँ, आकृति, साथ ही साथ यहाँ पे शेर का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। शेर, हिरन और आदि मानव, आई थिंक पुराने ज़माने के जो हमारे देवी देवता थे आई थिंक, या फिर कुछ तो भी होंगे। जो कुछ भी है कंप्लीट यहाँ पे है भाई, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। अगर गलती से भी मैं कुछ बोल दिया हूँ तो इसके लिए मुझे माफ़ करना, ठीक है। तड़ित चालक भी दिया गया ऊपर में, ताकि अगर बिजली गिरे तो वो कैप्चर कर ले, अपनी सारी पावर को कैप्चर कर ले, तो ये अच्छी बात है। और कुछ इस तरह व्यू है अगर चारों ओर मैं घूम के आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो, ठीक है। तो कुछ इस तरह का व्यू क्रिएट हो रहा है। आगे आप देख सकते हो एक बड़ा सा झंडा है जिसमें लिखा हुआ है जय पारस, जय पारस। तो अभी हम जाते हैं ऊपर की ओर, ऊपर एक और मंदिर है, ठीक है। ऊपर की ओर हम चढ़ते हैं और आमने सामने भी और सारे मंदिर हैं, वो भी हम चढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ तो भी डिटेल्स लिखी गई हैं, आई थिंक बहुत पुराना होगा, अभी गिर चुका है, टूट चुका है, अभी कोशिश की जा रही है इसे नया बनाने का। वैसे आई थिंक ये जो बना है ये नया ही है, और ये जो थी आई थिंक आगे जो थोड़ी बहुत टूटी फूटी आपको दिखाई दे रही है वो पार्क का एरिया। पहले जब मैं आया था बचपन में तो उस समय पार्क पूरा अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा था। ये जो टाइल्स वगैरह आप देख रहे हो ये जो है ये टूटा फूटा दिख रहा है, तो उस समय ऐसा नहीं था, अभी हो गया है। अभी हम यहाँ पे विजिट कर लेते हैं भगवान ऋषभदेव मंदिर पे, विजिट कर लेते हैं, आपको दर्शन भी करवा देते हैं। सबसे पहले हम घंटी बजा लेते हैं। तो भाई जैसे ही हम आगे की ओर बढ़े, घंटी हमने बजाया, तो भाई ग्रेट व्यू क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। आप देख पा रहे हो भगवान ऋषभदेव का कलाकृति, मूर्ति या फिर जो कुछ भी आप कहो, ये यहाँ पे है। काफ़ी गजब का सीन क्रिएट हो रहा है, ग्रेट। कुछ इस तरह से बड़ा सा गेट बनाया गया है। ये आप झंडे को देख लो, काफ़ी गजब का है, मज़ा आ रहा देखने में। और इसके अलावा मैं सीढ़ियों को चढ़ के पार कर लिया हूँ, यानी कि ऊपर आ चुका हूँ, और ऊपर आने के बाद जो व्यू बन रहा है ना, गजब का बन रहा है भाई, गजब का, ग्रेट, ठीक है। तो ये सारा व्यू है, ये मंदिर आने के फ़ायदे हैं, मतलब ये सारा व्यू आपको इस मंदिर का दिखने वाला है, ठीक है। मैं चारों तरफ घूम के आपको दिखा देता हूँ, एक एक करके सब जगह जाएंगे और आपको हर एक जानकारी शेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ वहाँ गए, थोड़ा थोड़ा दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हर जगह क्या कुछ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, और ऐसे यहाँ से शुरुआत करते करते सबसे आखिरी में हम जाएंगे ये बड़ा वाला मंदिर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिद्ध चक्र यंत्र, तो भाई चक्र यंत्र कुछ इस तरह है, ओम बहुत जगह लिखा गया है,
कुछ ना कुछ हिस्ट्री है, कुछ ना कुछ सच्चाई है, कुछ ना कुछ क्या यार, मुझे तो 101% सच्चाई लग रही है, कुछ ना कुछ है भाई। मुझे तो उतना वास्तु और ये सब चीज़ में उतना जानकारी नहीं है, काफ़ी अच्छी बनाई गई है। खैर जो लोग जानते होंगे तो इसे देख के वो लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े हैं तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो श्री गौतम गंधर नाथ जी, इनका प्रतिमा यहाँ पे अभी आई थिंक नहीं है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो श्री भगवान महावीर जी, महावीर जी की प्रतिमा यहाँ पे है और कुछ इस तरह का व्यू के साथ है। मैं आपको सामने जाके दिखा देता हूँ, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आई थिंक बारिश चालू हो चुकी है, तो जो कुछ भी है आप जल्दी जल्दी पढ़ लो यार, बारिश भी हो रही है। आगे बढ़ते हैं, भगवान पार्श्वनाथ जी और इनके तपस्या और विश्वास के जरिए इतने लोग यहाँ पे पर्यटक आते हैं, ठीक है, तो इनके वजह से, इनके दर्शन मात्र से लोगों का जीवन धन्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम भगवान नेमिनाथ जी के पास, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह इनकी प्रतिमा है, कुछ इस तरह से इनकी प्रतिमा है। तो अब हम फिर से आगे की ओर बढ़ते हैं, बहुत सारी हैं वैसे, ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ गया हूँ मैं नमीनाथ जी महाराज के पास, तो कुछ इस तरह से व्यू क्रिएट हो रहा है। तो माफ़ करिएगा अगर क्वालिटी आपको सही नहीं आ रही होगी, तो क्योंकि उतना बजट नहीं है मेरे पास कि मैं चेंज कर पाऊँ। अब मैं पहुँच चुका हूँ श्री मुनि सुब्रत नाथ जी, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी जो प्रतिमा है, आप देख सकते हो अच्छे से, आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। मैं जूम कर करके सामने जा जा के मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, हर जगह मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे भगवान मल्लिक नाथ जी हैं और इनकी तस्वीर है, सॉरी इनकी प्रतिमा है यहाँ पे, तो इन्हें भी आप देख लो। अब मैं आ चुका हूँ भगवान अरहनाथ जी के पास, यहाँ पे इनकी प्रतिमा आप देख सकते हो, तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही हैं मुझे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो श्री भगवान कुंथनाथ जी के द्वार के पास, तो कुछ इस तरह से इनकी प्रतिमाएं हैं। आई थिंक वेट अ सेकेंड, तो कुछ इस तरह से इनकी प्रतिमाएं हैं। आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा हर भगवान का। श्री भगवान शांतिनाथ जी, श्री भगवान शांतिनाथ जी, यस, तो इनकी भी प्रतिमा आप देख सकते हो कुछ इस तरह है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं श्री भगवान धर्मनाथ जी के पास, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का व्यू क्रिएट हो रहा है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अब हम पहुंच चुके हैं श्री भगवान अनंतनाथ जी के पास, मतलब एक जगह बहुत कुछ हमें देखने को मिलने वाला है भाई, बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। हर एक भगवान को मैं विजिट कर पा रहा हूँ यहाँ से, हर एक भगवान को मैं देख पा रहा हूँ, तो आपके लिए तो और भी अच्छी बात है कि आप घर बैठे ही देख पा रहे हो इस। और साथ ही साथ श्री भगवान भगवान विमलनाथ जी के द्वार के पास हम लोग पहुँच चुके हैं, तो इनका आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़रूरी है। हमने आशीर्वाद ले लिया है, आप सभी भी लें, ताकि अपने जीवन में जितने भी कर्म हैं, आई थिंक जो कुछ भी कम हो, मतलब बुरे काम जो आपने करे होंगे, आई थिंक वो कम हो। अब हम लोग पहुंच चुके हैं श्री भगवान वासुपूज्यनाथ जी के पास। अगर बोलने में मुझसे कोई गलती हो रही हो तो भाई आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ, ठीक है, मुझे हो सकता है कोई अलग अलग बोलता हो तो आप आई थिंक आप लोगों को पसंद ना आए, लेकिन फिर भी मैं फ़िलहाल पहुंच चुका हूँ भगवान श्रेयांश नाथ जी के यहाँ, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह की प्रतिमा है इनकी, ठीक है, आप आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं भगवान शीतल जी नाथ जी के यहाँ, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से है इनकी प्रतिमा, मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी सारी मैं प्रतिमाएँ देख रहा हूँ, जितनी भी सारी भगवान हैं ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं, क्योंकि जैन धर्म के हिसाब से ऐसे ही था उनका वेशभूषा,
तो अभी मैं पहुँचूँगा भगवान सुविधिनाथ जी के यहाँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है इनकी प्रतिमा। आगे बढ़ते हैं हम और पहुँच चुके हैं चंद्र प्रभु जी के यहाँ। जैसा कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इनकी प्रतिमा है। इसके बाद हम पहुँचते हैं सुपार्श्वनाथ जी के यहाँ, मतलब भगवान सुपार्श्वनाथ जी के यहाँ। तो इनके द्वार पहुँचने के बाद कुछ इस तरह का व्यू क्रिएट हो रहा है। आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ। अब मैं पहुँच चुका हूँ पद्मा प्रभु नाथ जी के यहाँ। तो आप देख सकते हो इनकी भी प्रतिमा कुछ इस तरह है। अब मैं आगे की ओर जाता हूँ। अब मैं पहुँच चुका हूँ आई थिंक भगवान सुमति नाथ जी के यहाँ। तो इनकी भी प्रतिमा कुछ इस तरह है। मतलब ऑलमोस्ट मैं सबकी प्रतिमा जो देख रहा हूँ सेम है, बस एक दो अलग अलग मुझे दिखे हैं भगवान अभिनंदन नाथ जी के यहाँ। अब मैं पहुँच चुका हूँ तो आप देख सकते हो इनकी भी प्रतिमाएँ कुछ सेम इस तरह ही हैं। भगवान के रूप अनेक है भाई, लेकिन हैं एक। अब मैं पहुँच चुका हूँ भगवान संभव नाथ जी के यहाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी प्रतिमाएँ भी। तो बहुत ज़्यादा मंदिर है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो अभी मैं फ़िलहाल पहुँच चुका हूँ भगवान अजीत नाथ जी के यहाँ। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कुछ इस तरह की कलाकृति की गई है और इनका आप देख सकते हो मूर्ति कुछ इस तरह है। अब मैं आ गया हूँ भगवान ऋषभ नाथ जी के यहाँ। तो कुछ इस तरह से है इनकी प्रतिमा, जैसा कि आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे अब मैं पहुँच चुका हूँ, आप देख सकते हो कुछ तो भी लिखा है, आई डोंट नो। अब मैं पहुँच चुका हूँ सीधा, आप देख सकते हो अतिशयुक्त पार्श्वनाथ जिनालय का दर्शन। तो भाई भगवान पार्श्वनाथ का दर्शन आप कर लो यहीं से, इनका दर्शन मात्र ही हमारे लिए सब कुछ है। अब गाइस जो मेन मंदिर रह गया है ठीक है इस जगह का, उसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसा दिखता है यहाँ से। ठीक है तो चलिए देखते हैं। ये आप देख लो कुछ इस तरह का व्यू क्रिएट हो रहा है यहाँ से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो बाहुबली जिनालय इनका मंदिर है यहाँ पे। काफ़ी गजब की कलाकृति की गई है। जगह जगह पे बहुत कुछ लिखा गया है, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे। तो हमने ये जगह को है जो है कंप्लीट एक्सप्लोर कर लिया है ठीक है। सारे के सारे मंदिर को हमने विजिट कर लिए यहाँ के। वीडियो अगर पसंद आ गया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हर बार की तरह मैं फिर से दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।